दोस्तों गर्मियों का मौसम आ चुका है और ऐसे में अगर आप भी अपने घर के लिए एक नया फ्रिज या रेफ्रिजरेटर बाय करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आपको अपने घर के लिए सिंगल डोर फ्रिज लेना चाहिए या डबल डोर फ्रिज लेना चाहिए या आपके घर में जितनी लोगों की संख्या है उसके हिसाब से आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और आप अपने घर के लिए इस वीडियो की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रिज बाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव साहनी और आपका स्वागत है टेक्निकल देव यूट्यूब चैनल में। और हर बार की तरह दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम नया रेफ्रिजरेटर लेने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हमें कितनी क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में सदस्यों की संख्या एक या दो है तो आपको 200 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर बाई करना चाहिए। 200 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है। अगर परिवार में सदस्यों की संख्या कम है तो ये जो है आपके परिवार के लिए सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर होगा। दोस्तों ये जो है सिंगल डोर में आते हैं, साथ ही में इसको जो है आप कहीं पर भी घर में बहुत ही आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा जगह नहीं घेरते हैं और साथ ही में ये बिजली भी आपकी बहुत ही कम खर्च करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में सदस्यों की संख्या एक या दो है तो आप 200 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर बाई करें। वहीं दोस्तों अगर आपके घर में सदस्यों की संख्या तीन या चार है तो आपके घर के लिए दोस्तों 200 से लेकर 400 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर बेस्ट होगा। ये दोस्तों थोड़े बड़े होते हैं आकार में और साथ ही में इसमें काफ़ी अच्छी जगह दी जाती है सब्जी और फ्रूट को रखने के लिए। साथ ही दोस्तों इसमें बड़ा सा जो है आपको फ्रीजर भी दिया जाता है जिसकी हेल्प से दोस्तों आप जो है किसी भी चीज को काफी ज्यादा ठंडा रख सकते हैं। तो दोस्तों परिवार में सदस्यों की संख्या तीन या चार है तो 200 से लेकर 400 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर आपको बाई करना चाहिए। और दोस्तों यदि आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, आपके परिवार में दोस्तों चार से ज़्यादा और आठ से कम सदस्य हैं तो आपको अपने घर के लिए दोस्तों कम से कम 400 से ज़्यादा लीटर वाला जो है रेफ्रिजरेटर बाई करना चाहिए। 400 लीटर से ऊपर का रेफ्रिजरेटर अगर आप बाई करेंगे तो ये थोड़े आकार में बड़े होते हैं, इनको आपको घर में रखने के लिए स्पेशल जो है जगह देना पड़ता है और साथ ही इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आप ठंडा कर पाएंगे। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर और डबल डोर रेफ्रिजरेटर में क्या अंतर होता है। अगर आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो आपको क्या इसमें फीचर मिलेगा और अगर आप डबल डोर रेफ्रिजरेटर बाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या फीचर मिलेगा, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में सिंगल डोर होता है, इसी से इसके नाम को सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। साथ ही दोस्तों ये 200 लीटर तक आते हैं और अगर आपके घर में दो से तीन सदस्य हैं तो ये जो है आपके घर के लिए सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर होता है। इसमें दोस्तों बिजली की खपत काफ़ी कम होती है और साथ ही दोस्तों इसको मैनुअल जो है डिफ्रॉस्ट किया जाता है, इसमें ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट का सिस्टम नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। दोस्तों डबल डोर रेफ्रिजरेटर दो टाइप के होते हैं, पहला है डबल डोर टॉप फ्रीजर, दूसरा है डबल डोर बॉटम फ्रीजर। मतलब दोस्तों पहले के अगर हम बात करें डबल डोर टॉप फ्रीजर की तो इसमें जो है दोस्तों ये नॉर्मल जो आपका सिंगल डोर फ्रिज आता है उससे आकार में बड़े रहते हैं, उससे महंगे भी होते हैं, साथ में उससे ज़्यादा फीचर्स भी इसमें होता है और इसको खरीदने से पहले दोस्तों आपको अपने घर में इसके लिए स्पेशल जो है जगह देना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें डबल डोर आपको मिलता है और इसकी हाइट भी दोस्तों सिंगल डोर वाले से जो है थोड़ी ऊँची रहती है। और इस फ्रिज में दोस्तों फ्रीजर जो है ऊपर दिया गया रहता है और आपका फ्री स्पेस जो है नीचे दिया गया रहता है, जो रेफ्रिजरेटर रहता है वो नीचे रहता है, उसके ऊपर फ्रीजर दिया गया रहता है। साथ ही दोस्तों इसमें जगह काफ़ी ज़्यादा होती है और ये फ्रिज दोस्तों 198 लीटर से लेकर 998 लीटर तक के आते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में सदस्यों की संख्या चार से अधिक है तो आप जो अपने घर के लिए डबल डोर फ्रिज जो है बाई कर सकते हैं और इसमें जो है आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ठंडा कर सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि ये थोड़ी बिजली ज़्यादा लेते हैं और इसमें सिंगल डोर की अपेक्षा ज़्यादा फीचर्स भी दिए गए रहते हैं। ये फ्रिज जो है मैनुअली डिफ्रॉस्ट नहीं होते हैं, इसमें ऑटोमेटिक जो है डिफ्रॉस्ट सिस्टम दिया गया रहता है तो आपको मैन्युअली डिफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं दोस्तों बात करें डबल डोर बॉटम फ्रीजर की तो इसमें केवल जो है फ्रीजर ऊपर से उठकर नीचे आ जाता है, मतलब बॉटम में आ जाता है, इसलिए जो है इसको डबल डोर बॉटम फ्रीजर कहा जाता है। इसमें सामान रखने की जगह ऊपर होती है और फ्रीजर जो है नीचे होता है और सारे फीचर जो है डबल डोर वाले ही होते हैं। ये जो है काफ़ी बड़े होते हैं, महंगे होते हैं और 198 लीटर से लेकर 998 लीटर तक के आते हैं। इसमें जो है आप किसी चीज़ को फ्रिज करने के लिए उसके फ्रीजर का इस्तेमाल नीचे से ही कर सकते हैं, साथ ही में सामान को उसके ऊपर रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने घर के लिए कौन सा फ्रिज बाई करना चाहिए, साथ ही में सिंगल डोर फ्रिज कौन सा होता है, डबल डोर फ्रिज कौन सा होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है और आपके घर के लिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बेस्ट है या डबल डोर रेफ्रिजरेटर बेस्ट है, मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करके बता दिया। दोस्तों कोई भी फ्रिज खरीदने से पहले आपको अपने बजट और घर में सदस्यों की संख्या, साथ ही में घर में जगह क्या को ध्यान में रखकर
फ्रिज बाय करना चाहिए। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।